तुर्की के राष्ट्रपति तायपे एडोगन ने कहा कि कोलंबस तो पहला अमरीका की खोज मुसलमाना ने की थी। एडोगन ने दावा किया कि कोलंबस तो करीब 3 सदियां पहला मुसलमाना ने अमरीका की खोज कर ली सी। तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान तो बाद उन्होंने तो इस संबंधी सवाल पूछने वाले वड्डी गिनती लोग खड़े हो गए हैं। एडोगन ने यह दावा उदो किया जो इस्तांबुल लातिन अमरीकी मुस्लिम आगुओं की कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे सन। एडोगन ने दावा किया कि मुसलमान अमरीका से 1178 ईस्वी पहुंच गए सन। उन्होंने कहा कि इस्लाम और अमरीका का रिश्ता 12वीं सदी शुरू होने तो पहला है, पर एडोगन ने संबंधी कोई मजबूत तथ्य हाले तक पेश नहीं किए। नॉर्थ अमेरिका खबरों चो हुण तक लई बस इना ही। नवीं ताज़ तरीन खबरों लई तुसी देखते रहो जस ब्रॉडकास्टिंग। धन्यवाद।